मित्रों, हमारा जो शरीर होता है वो एक मंदिर के समान है। जिस तरह से मंदिर में साफ़ सफाई अपेक्षित होती है, उसी प्रकार से शरीर रूपी मंदिर को स्वस्थ रखना और साफ़ सुथरा रखना अनिवार्य होता है। इसीलिए स्नान का विधान है और स्नान हम करते भी हैं। लेकिन शरीर पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उबटन के रूप में काम में ली जाती हैं, मालिश के रूप में काम में ली जाती हैं, उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। न केवल ग्लो आता है उस चीज़ के सेवन से या प्रयोग करने से, आपका जीवन खुशहाल भी बनता है, क्योंकि ये चीज़ें ग्रहीय मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई हैं। हर ग्रह की कोई वस्तु होती है जो आपको उस ग्रह की पावर देती है, उस ग्रह की शक्ति देती है, और उस ग्रह की एनर्जी को पाकर आप हर काम करने में सक्षम होते हैं जो आपके लिए आवश्यक होते हैं। आपको धन संपदा, मान सम्मान, सब कुछ चीज़ें ये इन चीज़ों की वजह से जीवन में प्राप्त होती हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ शनिवार को करने वाला एक ऐसा उपाय जो आपको रात्रि को सोने से पूर्व आपको करना है। और आज 8 तारीख है और शनिवार है, तो 8 का अंक शनि का होता है, और शनिवार को 8 का अंक पढ़ने से शनि की डबल डोज, शनि की डबल पावर, शनि के डबल उपाय आपको करने चाहिए, जिससे आपको खुशहाली प्राप्त हो सके। शनि काल पुरुष का दुख माना गया है, और दुख को दूर करने के लिए शनि शांति का विधान है। हनुमान जी की पूजा भी की जाती है, राम जी की पूजा की जाती है, और उनसे आपको लाभ भी होता है। लेकिन शनि देव के निमित्त आप कुछ दान करते हैं या सुबह सुबह आप घर की साफ सफाई कर लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। शनिवार को सुबह सुबह घर की झाड़ू जो महिला लगाती है उसके घर में बरकत होती है और खुशियों का आगमन होता है। पॉजिटिव एनर्जी उसके घर में हमेशा वास करती है। तो शनिवार के जो सुबह सुबह करने वाले उपाय हैं वो तो आप कर ही चुके होंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रात्रि को एक ऐसा उपाय जिसको कर लिया आपने तो आपके जीवन में खुशहाली आना तय ही है। आपको ये चीज़ तेल है ये, और तेल आपको पता है शनिदेव का प्रतिरूप होता है, शनिदेव को बहुत प्रिय है तेल, और इसीलिए शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। शनिदेव को किसी भी तरह का तेल आप चढ़ाते हैं तो आपको लाभ मिलता है, लेकिन तिल का तेल और सरसों का तेल शनिदेव को विशेष प्रिय है, और उनको चढ़ाने से आपको शनिदेव की कृपा मिलती है। शनि की 7.5 में जो दुष्प्रभाव आप पर पड़ने वाले होते हैं वो सीमित मात्रा में पड़ते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं पड़ते, और ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर कम पड़ता है। तो शनिदेव की जो ढैया होती है 7.5 से हर व्यक्ति कांपता है, और इनका उपाय आप करते हैं, मतलब शनि शांति का उपाय करते हैं किसी भी रूप में आप, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन रात्रि को आप एक ऐसा उपाय करते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिलता है। मित्रों, निद्रा जो होती है रात्रि को हम करते हैं, और रात्रि क्या होती है, काली, ब्लैक। रात्रि को प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा का थोड़ा बहुत प्रकाश होता है, वो अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रही मैं। लेकिन आपको रात्रि का जो समय होता है शनि देव को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्योंकि सूर्य जिस जगह नहीं होता वहाँ शनि होता है, तो शनि का साम्राज्य होता है रात्रि में आपकी निद्रा में। तो रात्रि को ये जो प्रयोग किया जाता है वो आपको बहुत सक्सेस दे सकता है और आपको धन प्राप्ति में सहायक बन सकता है। तो रात्रि का एक प्रयोग बता रही हूँ जो आपको अपने छुपे हुए पार्ट अंग में लगाना है, और आपको किस पर लगाना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत खास है, तो उत्सुकता बनाए रखिए, जिज्ञासा बनाए रखिए, मैं आपको तुरंत ही बताने वाली हूँ। मैं हूँ आपकी डॉक्टर उमाश्री, मैं एक ज्योतिषी हूँ, 23-24 साल से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ, और बहुत लोगों को लाभ की प्राप्ति हो चुकी है। अब आपकी बारी है, आप भी मुझसे परामर्श ले सकते हैं। इस प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करिए। ये सर्विस चार्जेबल होती है और इसके चार्जेस नॉमिनल से होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो आज का वीडियो मैं शुरू करने जा रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए इसी तरह की बेहतरीन जानकारी पाने के लिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, और आपकी जिज्ञासा को मैं शांत करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि आपको तेल का प्रयोग कहाँ करना है। मित्रों, जो हमारी नाभि होती है वो बहुत शक्ति से संपन्न होती है, और सारी शक्तियों का वास हमारी नाभि में ही होता है। मतलब सारा जो चक्रा का जो केंद्र बिंदु होता है, सहस्रनार चक्र तो होता ही है पावरफुल, लेकिन उसके बाद नाभि का जो चक्र होता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और वहाँ एक एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए मसाज अगर आप नाभि पे करते हैं
चंदन के तेल की, तो आपके सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और राहु केतु भी आपको शांति प्रदान करते हैं, क्योंकि राहु केतु उच्चाटन पैदा करने वाले ग्रह हैं और किसी भी व्यक्ति को पनपने नहीं देते। जहाँ राहु जिस घर में बैठता है उस वहाँ की प्रगति को बाधित कर देता है, वहाँ रुकावट पैदा कर देता है, और 42 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद ही राहु उनको सक्सेस देता है, ऐसी स्थिति उनकी जीवन में हो जाती है। झूठे दोषारोपण राहु करता है, और शनि भी, शनि का जो सेवक राहु केतु को माना गया है, तो शनि के जो असिस्टेंट होते हैं वो राहु केतु हैं, तो राहु केतु भी वही काम करते हैं जो शनि करता है, क्योंकि शनि जो दुख का कारक है, गरीबी का कारक है, और राहु केतु इसमें उनको सहयोग करते हैं। हालांकि राहु का जो शुभ प्रभाव होता है, चार अंक वाले जो जातक होते हैं उन पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है, वो न केवल जोड़ तोड़ में माहिर होते हैं लेकिन उनको पैसे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं राहु के आशीर्वाद से। तो कलयुग में तो राहु का बोलबाला है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम का है। आपको मसाज करनी है थोड़ी सी, और ये आप चंदन के तेल से कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा, या कोकोनट ऑयल भी आप ले सकते हैं। कोकोनट जो होता है राहु का प्रतिनिधित्व करता है, और राहु को रिप्रेजेंट करने से कोकोनट ऑयल भी यूज़ में लिया जा सकता है। इस ऑयल को यूज़ में लेते टाइम आपको ओम रांग राहुवे नमे इसका जाप करना है, और शनि का जाप भी आप करना कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमे या ओम शम शनिये नमे, ये भी आप जाप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और आपको समृद्धि की प्राप्ति होती है, आपको जीवन में सब सुख प्राप्त होते हैं, आप मालामाल बनते हैं, करोड़ों अरबों में खेलते हैं, ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है, और वर्षों से रुके हुए काम अनवरत रूप से आपके चालू हो जाते हैं, ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है। तो ये काम आप करिए, ये बहुत अच्छा प्रयोग है, और ये रात को ही आपको करना है, थोड़ी सी बस मालिश करनी है अपनी नाभि पे, और आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपकी किस्मत का बोलबाला हो रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। वर्षों से सुप्त जो आपकी किस्मत थी वो अब जागृत अवस्था में आ गई है। जिस तरह से कुंडलिनी जागृत हो जाती है और स्पीड से काम करती है, उस तरह से आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी, आपके हर काम बनने लगेंगे। वर्षों से रुके हुए काम जो अब तक नहीं बन रहे थे वो निरंतर आपके बनने लगेंगे। हर शनिवार को ये उपाय करें तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, ऐसी जानकारी सबसे शेयर करनी चाहिए जिससे सबका भला हो सके, और ये अच्छी फीलिंग आपको पैदा करती है क्योंकि पॉजिटिविटी आपके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, इससे आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिलती है और आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, मेरे अन्य वीडियो भी आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं जो 5000 से अधिक की संख्या में है, और ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। इनको देखने के लिए आपको बस टाइप करना होता है डॉक्टर उमाश्री, मेरे वीडियो आपके सामने आ जाते हैं जो तरह तरह से आपको लाभ की प्राप्ति कराते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्रिय मित्रों, और मेरे चैनल के बारे में आप बहुत लोगों को बताइए, अपने मिलने जुलने वालों को बताइए कि वो इसको सब्सक्राइब करके मेरा मान सम्मान बढ़ाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मित्रों।